Hey guys, welcome back to Avi Alex Vlogs. And guys, आज मैं जहां पर जाने वाला हूं ना, बड़े दिन से मन था मेरा वहां जाने का, तो भाई फाइनली आज हम वहां पर जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं भाई फुज़ो के फिल्मी ढाबे पे, और ये है भाई चार रास्ता रजौड़ी बीच के पास में नालासोपारा वेस्ट में। और गाइस बहुत ज्यादा फिल्मी जगह है भाई ये। जैसे यहाँ पर आप एंट्री मारोगे ना, तो सामने देख सकते हो भाई रेड कारपेट से है ना आपका यहाँ पर भाई वेलकम होगा। यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, रील्स बना सकते हो आप अपनी। तो भाई यहाँ पर मेरी मम्मा और बहन तो भाई स्टार्ट हो गए भाई फोटोज निकलवाना, तो भाई मैं पीछे कैसे रहता भाई। तो मैंने भी यहाँ पर अपनी फोटोज खिंचवाई, और फिर भाई मम्मा को यहाँ मिल जाता है ऑस्कर और फिल्म फेयर अवार्ड। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मा। तो भाई उसके बाद में जब हम अंदर आते हैं ना, यहाँ पर एक एसी डाइनिंग एरिया है, और भाई यहाँ पर है ना पुरानी फिल्मों की फोटोज लगी है भाई, पुराने डायलॉग्स लिखे हैं, फेमस जो होते हैं ना डायलॉग्स पुरानी मूवीज के बॉलीवुड, वो सारे यहाँ पर लिखे हुए और फोटोज लगी हुई है भाई। यहाँ पर सुपरस्टार्स की सबकी देखो, यहाँ पर श्रीदेवी जी की फोटो है, माधुरी जी की फोटो, भाई यहाँ पर बहुत ही सही जगह बना रखी है भाई इन्होंने। और सबसे यूनिक बात है ना इनका डाइनिंग जो टेबल है भाई, ये यहाँ पर आप चेयर्स देख रहे हो, ये आम चेयर्स नहीं है भाई, ये ड्रम को पता नहीं कैसे कस्टमाइज करके इन्होंने सिटिंग के लिए बनाया है इस चीज को। एंड ऊपर से जो एक और यूनिक बात है भाई, यहाँ पर जो प्लेट्स है ना, वो प्लेट्स ऐसी आम प्लेट्स नहीं है, जो जेल के अंदर जिस तरह परोसते हैं ना जिस प्लेट के अंदर, ये वैसी प्लेट्स बनाई गई है भाई यहाँ पर स्पेशली। तो भाई फुल फिल्मी हरकतें हैं यहाँ पर। एंड गाइस जैसे ही हम यहाँ पर बैठते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं, भैया बोलते हैं भाई ये लो मेन्यू कार्ड, तो भाई मेन्यू कार्ड देख के तो भाई मजा ही आ गया। ये देखो भाई यहाँ पर क्लैप बोर्ड वाला यहाँ पर मेन्यू कार्ड बना रखा है। तो भाई खोल के देखते हैं यहाँ पर भाई, अंदर भी फोटोज लगी हुई है भाई फिल्म स्टार्स की। तो भाई ये सब देख के मैं जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर करता हूँ फूड, इतने में देखता हूँ भाई इनकी यहाँ पर खुद के ब्रांड की वाटर बॉटल भी है भाई, देख रहे हो। तो गाइज ऑर्डर देने के बाद में यहाँ पर हम करने लग जाते हैं भाई थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि भाई टाइम लग रहा था खाने को तो आने में, तो भाई हमने तो बहुत ज्यादा मजे करे तब तक। एंड फिर थोड़ी देर में यहाँ पर भाई हमारा ऑर्डर भी आ जाता है। ये देखो भाई बढ़िया बढ़िया यहाँ पर भाई सैंडविचेस आ गए हैं। गाइस जेल के हिसाब से प्लेट है यहाँ पर, ये मतलब आप फिल्मी ढाबे में आए हो और अगर आपको जेल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है ना मम्मा। तो भाई मेरी जो बहन थी रियल में तो मैं नहीं भिजवा पाया, तो एक्सपीरियंस तो दिला सकता हूँ उसे जेल का यहाँ। चलो भाई अभी हम जेल की थाली में ना सैंडविच खाते, मेरा पिज्ज़ा भी आ रहा है ठीक है। वो भाई पिज्ज़ा भी आ गया यहाँ पे देखो, यस नाइस, थाली में परोस दो हमारी जेल की, भूख लगी है। ये तो डिजर्व करती है गाइस जेल की थाली में खाना खाना। तो गाइस मेरी वजह से भी थाली की शोभा बढ़ रही है, समझ रहे हो भाई। मेरे को कोई ना बंदूक दो इसको मारूं मैं क्यों आ जाती हूँ बीच में। तो गाइज खाना खाने के बाद हम बैक साइड में आ जाते हैं ढाबे के देखने के लिए भाई और क्या क्या है। तो भाई पीछे टेंट देख रहे हो आप वहां पर, और ये बगिया, तो भाई ये कपल्स के लिए स्पेशली यहाँ पर लाइट्स वगैरह हो जाती है चालू शाम के टाइम पे। और भाई देखो यहाँ पर एक स्कूटर भी है भाई, ये पता नहीं गोलमाल से इंस्पायर्ड है या पता नहीं किस चीज से इंस्पायर्ड है, बट बहुत बढ़िया है भाई यहाँ पर एक्टिविटी बहुत है ये तो सही। और गाइज ये रहा थ्री इडियट्स का आइकॉनिक भाई बम सीट यहाँ पे, तो भाई इसके ऊपर भी इंजॉय करते हैं भाई, बड़ा मजा आता है। और गाइज इसी के साथ में ना यहाँ पर भाई बाहुबली से इंस्पायर्ड भी जगह है, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो यहाँ पर भाई बाहुबली का सिंहासन बना हुआ है, लेकिन भाई सिर्फ एक बाहुबली के नहीं, पूरी फैमिली के लिए भाई उसकी यहाँ पर, तो सब बैठ सकते हैं। और यहाँ पर देखो हार्ट शेप में भी भाई, मतलब ये प्रॉपर यहाँ पर आप फोटोज निकलवाओ, रील बनाओ, जो मर्जी करो, बहुत सही जगह है भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। नौ तो ग्यारह होने वाला भाई, मैं मिलता हूँ बाद में अगले जन्म में।
और गाइज यहाँ मेरी बहन बैठ जाती है इस हम साथ साथ वाली बग्गी में एंड मेरी मम्मा यहाँ पर भाई चलती का नाम गाड़ी में। गाइज ये देखो यहाँ पर चेयर्स भी बना रखी हैं, देखो भाई टायर्स का यूज करा हुआ है भाई यहाँ पे, देख रहे हो प्रॉपर ये सीट चेयर बना दी इसे, कंफर्टेबल है। देखो नीचे दो दो टायर लगे हुए नीचे ऊपर के लिए, नाइस। तो भाई अब हम जाएंगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखा नहीं है मैंने यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। ओ भाई, और गाइस देखो यहाँ पर भी सेम वही चेयर्स बनाई हुई हैं जो नीचे हैं भाई, रबड़ के टायर है ना भाई उनसे बनाई हुई है यहाँ पर भाई, सारी चीजें यूनिक है यहाँ पे, जैसे कि ये टायर से बनी हुई बाइक यहाँ पर। एंड भाई फाइनली यहाँ पर आइकॉनिक जेल ये, तो भाई इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से, ठीक है। तो भाई देखो भाई यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए, अंधा कानून ये वो, पूरी अदालत बनी हुई है अंदर। तो इधर आ, कटघरे में खड़ी हो, कटघरे में खड़ी हो, यहाँ जज जो बैठे जाओ, जवाब दो इसे। तेरी सजा, तेरी सजा ये है कि अच्छे से ब्लॉग बनवा, अदालत देख रही है। मैं जाते नहीं, ये क्या बोला भंगा तो सिर्फ भाई, ये देखो प्रॉपर टायर से बाइक बनाई है भाई, धूम बाइक चल रही है। ओह माय गॉड, अच्छे हो मेरे रास्ते से। तो गाइस जेल के अपोजिट साइड में है ना, यहाँ पर देखो प्राइवेट एरिया है भाई, यहाँ पर भाई डिनर कर सकते हो आराम से बैठकर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में। अगर बड़ी फैमिली आ रही है यहाँ पर, अगर आप 10-15 बंदे हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर आप आना जरूर भाई, एक बार तो आना मस्ट है। तो गाइज हमें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया भाई, खूब इंजॉय करा, बहुत सही जगह है। अगर आप आना चाहते हो तो भाई सीधा आ जाओ यार, वेट वगैरह मत करो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर खुद इनका देखो बार एरिया है, एंड उसके बाद में भाई देखो बॉक्स ऑफिस के एज अ यहाँ पर काउंटर यूज कराए। तो चलो अंकल से बात करते हैं। अच्छा तो अंकल आप ये बताओ कब खोला आपने ढाबा, और फिर आइडिया कैसा आया इसका? तो एक बर्थ होके गया उसको चालू करके, और ये आइडिया हमारा जो ओनर है, अच्छा क्या उनका लड़का जो है हिम्मत घुमरे, उसका सब वो आइडिया है। उसने वो सब डिजाइन सब किधर क्या बनता है क्या करने का, वो सब उसका आइडिया है। एग्जैक्टली कब खुला था, कौन से साल में? एग्जैक्टली खुला था गया साल 31st December। अच्छा पिछले साल ही खुला है? हाँ गया साल। उसके बोर नहीं होते मतलब यहाँ आके एक भी टाइम के लिए? शाम को थोड़ा अंधेरा होने के बाद तो पूरा जो हमारा बाहर बग्गी है, अच्छा, उसका लाइट भी चालू होता है। और हम लोग ने कपल के लिए साइड में टेंट बनाए थे। हाँ अच्छा, वो कपल्स के लिए, कपल के लिए खाली, कपल के लिए टेंट है। तो गाइस देख लो कपल्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फुल मनोरंजन हो जाएगा आपका भी यहाँ पे, तो जरूर आओ यहाँ पर भाई फिल्मी ढाबा अगर नहीं आया हो तो। तो गाइज अंकल तो बहुत ज्यादा अच्छे थे भाई, उन्होंने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो भाई इसके बाद में यहाँ पर थोड़े हम फोटोज वीडियोस वगैरह निकालते हैं एंड में, एंड इसके बाद में यहाँ से हम निकल जाएंगे रजौड़ी बीच के लिए। गाइस फिल्मी ढाबा हमने बहुत ज्यादा एंजॉय करा भाई, मजा ही आ गया। कैसा लगा? तेज बोलो थोड़ा। खाना भी बहुत अच्छा था वहाँ पे। अच्छा भाई, खाना एक तो मुझे लगा नहीं था उतना बढ़िया होगा, लेकिन भाई खाना बहुत बढ़िया था भाई, सच में पेट भर गया, पेट भर के खाना खाया, एंजॉय करा, खूब रील्स बनाई है वहाँ पे जाके भाई, मजा आ गया। अगर आप नहीं गए और आपके घर के पास में भाई ये रजौड़ी के बीच के भाई एकदम पास में, तो आकर जरा एंजॉय करो, मजा आएगा, ठीक है। तो भैया अब हम जा रहे हैं यहाँ पर रजौड़ी बीच, वॉकिंग डिस्टेंस में ये यहाँ पर इस फिल्मी ढाबा से 2 मिनट की दूरी है, तो पैदल चल के जा रहे हैं, वॉकिंग की वॉकिंग हो जाएगी खाने के बाद में, और इंजॉय भी हो जाएगा, है ना। चलो भाई चलते हैं, आपको रजौड़ी बीच दिखाते हैं। भाई बहुत बढ़िया है यार, यहाँ पे तो वॉक करने में बड़ा मजा आ रहा है ना। ये मेरी बहन है, इसको मारो टाड़े को। मार लिया आपको, मजा आ गई। तो गाइस पहुंच गए रजौड़ी बीच भाई, देखो स्वाद। और भाई कलम बीच है ना, यहीं पर ही है कलम बीच, देखो उस साइड है ना लेफ्ट में, यहाँ पर वहाँ पर कलम बीच है, ये रजौड़ी बीच है, ठीक है। देखो भाई पूरा खाली तो नहीं है, ये लोग भी हैं यहाँ पे, बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। चलो भाई अंदर जाते हैं, देखते कुछ है कि नहीं यहाँ करने के लिए भाई, या फिर बस ऐसी बैठने के लिए जगह। Thank you.
तो गाइस देखा हमने रजौड़ी बीच घुमा और भाई बड़ा मजा आया भाई यहाँ पर, तो भाई बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। बट गाइस करने के लिए एक्टिविटीज थी नहीं यहाँ पर, तो हम जल्दी जा रहे हैं घर पे। अगर आपको पूरा व्लॉग हमारा पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा पार्ट ज्यादा पसंद आया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।